इसलिए लोग दूर से मुझे पहचान जाए कि शीरिन जा रही है। हमारी जो ऑडियंस है ना वो बड़ी अच्छी है, वो एक्सक्लूसिव बातें सुनना चाहती है। इतना अच्छा रिस्पांस देती, क्या शायद बनी गला में मैं ही होती। बस की बाल चुप रहे ना आपको, आकड़ गए यार, और रंग लगाए इन पे। वापस चली जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब हैं। मैं आपको वेलकम करती हूँ मायरा खान यूट्यूब चैनल पे, और आप देख रहे हैं मायरा के मेहमान। हाय सारे मेहमान तो मैं ही बुलाई जा रही हूँ। आप ये सोचते होंगे मायरा किधर है, आ जाएगी वो भी, ज़रा काम सीख रही है अभी, इसको काम नहीं आता। हाय देखो मैंने बाल कितने प्यारे बनाए हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज गुड्डू मम्मी को क्या हो गया है, बड़ी ठड़कती भड़कती लग रही है। भाई मेरी गेस्ट्री ऐसी है आज, आज जो मेरी गेस्ट है ना उनको जब आप दूर से देखते हैं ना तो पता चलता है कि वो कोई चलती हुई कोई चीज आ रही है, फैशन की ट्रेंड सेटर है जी वो। वेलकम टू द शो श्री मजारी साहिबा, कैसे हैं आप जी? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। ये क्या आपने अपने बालों का हाल किया हुआ है, लगता है जैसे लकड़ियाँ सूख गई हैं, क्या क्या ये आपने? हाँ है श्री जी, क्या हो गया आपको? आपको पता है मैं ना अपनी तरफ से ना वो फिल्म स्टार नादरा होती थी ना वो बनी हुई हूँ। हाय वो गाना था ना नागन वाला, तभी वो ना जल्दी मर गई नागन वाली है। वैसे मेरी बात सुने, इतने रंग आप लगा लेती हैं, कोई रंग नहीं छोड़ती हैं आप हैं, आपके बाल नहीं खराब होते? ये मैंने आज थोड़ी देर के लिए कलर लगाया तो मुझे लग रहा है मेरे बाल जो है ना अभी हाथ में आ जाएंगे। तो कलर इस्तेमाल करती हूँ रंग बिरंगे, इसलिए लोग दूर से मुझे पहचान जाए कि शीरी जा रही है। और शीरी का मतलब ही ये, लोग देख के खुश हो जाए, शीरी और मीठी हो जाए। आए, वैसे बात के दूर से ऐसा लगता है कोई संडा जा रहा है, कोई संडा आ रहा है। क्या बात कर रही है, संडा जा रहा है संडा? आपको कोई ख्वाजा आसिफ ने तो कुछ नहीं पढ़ के भेज दिया यहाँ पे? ख्वाजा आसिफ वो जो है, वो जो हाँ वो जो है, उसने मुझे एक बार पता क्या ट्रैक्टर नहीं छोड़ी उस बात को छोड़ी नहीं नहीं बताए। हमारी जो ऑडियंस है ना वो बड़ी अच्छी है, वो एक्सक्लूसिव बातें सुनना चाहती है। वो देखिए ना जुबान का गंदा है, मेरे घर के बाहर कोई ट्रैक्टर ट्राली खड़ी होगी, उसने उसकी मिसाल दे दी, लोगों ने मजाक उड़ा लिया। बड़ी क्रिस्पी बात हो रही है, जरा पैर पकड़ लो। मेरी तरह सादा ही है, मैं भी चौकड़ी मार के बैठ जाती हूँ। अच्छा, कई तरह लोगों के गोडे गुट्टों में भी बैठ जाती हूँ। सोफा कितना छोटा है। अच्छा तो हाँ फिर क्या कोई अच्छी बात पर इंटरेस्टिंग बात बताएं? तो वही कह रही हूँ कि असेंबली के अंदर उसने मुझे इस तरह का, उसके बाद मैंने उसकी वो वार्ड लगाई, अब मेरे सामने बैठता नहीं है वो खाजा कहीं का। तो आपका ये सफर इसमें आना जाना, कोई आपने कोई और पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की बीच में जो टाइम आया था? देखिए बात सुने, मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी और पार्टी में मेरी जगह बन जाए, लेकिन मैं जहाँ भी गई उन्होंने कहा आप जगह बहुत घेरती हैं, आप नहीं आते रह सकती, बड़े बड़े आपके लिए बड़े बड़े सोफे होने चाहिए। तो बस पीटीआई में जगह थी, मैं आके उधर फंस के बैठ गई। यानी कि पीटीएम में जो है वो सोफे खुले डुले होते हैं? हाँ सोफे खुले खुले, और खुले दिल वाले लोग होते हैं। आपको पता है खान साहब का माइंड कैसा है, कितने खुले दिल दिमाग वाले बंदे हैं। मैंने तो सुना है कि वो बड़ी कंजूसी करते हैं, वो चाय के साथ सिर्फ बिस्कुट देते हैं, उसके अलावा वो खाना नहीं पूछते किसी को। खाने पीने में देखिए डाइटिंग सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो दिल के बहुत बड़े हैं। नहीं वैसे मियां वो क्या कहते हैं, सॉरी मियां साहब मेरे मुंह से निकल गया, उसका नाम मेरे सामने वैसे ही नहीं, वो असल में मैं वो हल्की सी फैन हूँ ना उनकी, तो मैं तो अपने मियां को मियां नहीं कहती, मैं तुमका नाम लेके बुलाती वे इधर आ। आए वैसे हिम्मत है उन्होंने आपसे शादी की भी। मुझे जरा ये बताएं कि कभी खान साहब ने आपको कभी कोई मैसेज किए हो, कभी वो वाले वो जो आते हैं? हाँ है, मेरी तो हंसती रह गई, काश मुझे भी कोई मैसेज आता, इतना अच्छा रिस्पांस देती, क्या शायद बनी गला में मैं ही होती। बस लेकिन किस्मत मुझे उसने मैसेज किया ही कोई नहीं इस किस्म का। आए खान साहब ना वैसे कितने जवानी में प्यारे होते हैं, अभी भी कम नहीं है। अच्छा हाँ। नहीं आप थोड़े बुढ़े हो गए हैं वैसे। नहीं कहाँ से हो गए, अब तो उन्होंने शादी की, अभी तो जवानी चढ़े हैं वो। अच्छा हाँ। मुझे याद है वो जो मैंने उनका फोटो शूट देखा था उसमें ऐसे करके बैठे हुए, बड़े सीन लग रहे हैं, बहुत क्यूट है, मेरे भी फेवरेट थे उस वक्त। सही है, दिल टूटा था ना जब मैमा से शादी की थी। पता नहीं कितने के टूटे, मेरे अकेली का क्या टूटा। आपने सोचा कि कभी मैं अगर सियासतदान ना होती तो क्या होती? क्या होती का क्या मतलब, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शीरी मजारी। आपको डॉक्टर ऐसे ही किसी ने लिख दिया? डॉक्टर डंगर डॉक्टर
बंदे डॉक्टर नहीं, मैं DHMS मैंने किया हुआ है, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मतलब वो चीज जिससे नफा ना कोई नुकसान, बेजरर सी चीज, वो पक्की जो खाते हैं साथ वो गोलियां मीठी की होती है, पक्की नहीं होती, पक्की तो हकीम खिलाते हैं, हमारी मीठी गोलियां और शुगर ऑफ मिल्क में दवाई बना के कतरे डाल के लोगों को देते हैं, बड़ा फायदा होता है, कभी आप भी खाए ना, आप में ज्वाइंट्स जो है ना ये पायसरी पावे, ये इससे बड़ी दर्द होती है, मुझे लगता है आपके गोडो में पथरी पड़ गई है। अच्छा जी, जब ट्विटर में दुनिया पे जितने भी मसले होते हैं आप उस पर बड़े आप ट्वीट्स करती रहती हैं, ह्यूमन राइट्स की कोई बात होती है आप उस पर बात ही नहीं करती, आप चेंज द टॉपिक ही कर देती हैं। क्यों नहीं करती, हमने तो खास तौर पे औरतों की मिसाल पे हमने आवाज उठाई है। केड़ी आवाज, कोई आवाज नहीं उठाती हैं आप, कोई मसला किसी किस्म का हो जाए, मैंने हर लेडी को हर खातून को अभी भी मैं कह रही हूँ, आपको कोई ऐसा मसला हो मुझे नहीं बताना। अच्छा, ये जो हमारी लेडी का है ना यहाँ पे बेचारी, ये ना ऐसा एक मसला है, ये कह रही है ये मियाँ ना ये इसने दूसरी शादी कर ली है, ये गलत किया ना। देखिये यही तो जो मर्द जात है ना उसको चाहिए एक वक्त में एक ही रखे, अब इसने दो इकट्ठी रखी हुई है तो क्या मसले हल हो गए। ये ना ये देखे ये उसकी छोटी बेटी है, इसमें से ये इसमें से है, कितनी प्यारी है ना। तो क्या दूसरी अभी कुछ नहीं, दूसरी जो है ना अभी वो अभी अगले हफ्ते इंशाल्लाह खुशखबरी आने वाली है। चलिए ठीक है, फिर मुझे मिठाई जरूर भेजिएगा। हाँ। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है तले हुए, लेकिन कीमे वाला। लेकिन अभी आप उसकी साइड ले रही थी, अब आप उसकी साइड ले रही है, क्या करूँ, ये भी औरत है वो भी, दोनों के जो हकूक मैंने पूरे करने हैं। सही है, सही तो है। इसलिए तो मैं इसे वो ना एंग्री हो गई है, देखें वो उसका नहीं नहीं आप, हो गई आ, 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 आप ऐसे ना हो, मैं जरूर आपका साथ दूंगी, टेंशन ना लो आप। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप असेंबली में आपका सोती क्यों रहती है, क्या ख्वाब देखती रहती मैंने है? आपको बताया क्या नाम बताया आपने अपना, गुड्डो अम्मी बन के सोची, मैं सारे दिन जो है सारा दिन मैं लगी रहती हूँ इसमें अवामी मसाइल हल करने में, उसके बाद मुझे टाइम जो नहीं होता, जब टाइम नहीं होता तो फिर असेंबली में जाके सो जाती हूँ, मुझे पता है असेंबली में जो लोग बैठे उन्होंने वही बातें कर रही है जो सारी उम्र से कर रहे हैं, तब मैं वहाँ खराटे लेती हूँ। सही बात है, वो जो एक वो एक वो सुनी आपने, वो सॉफ्टवेयर आया पगासस, उससे मैंने सुना है कि ये जो फोन का ना सारा डाटा चोरी हो जाता है, बस इसीलिए ना मैंने तो इसे जान छुड़वा लिया, मैंने जो था बड़ा फोन था छुपा लिया, अब वो छोटा 3310 का ले लिया मैंने। वैसे मैं आपके पास क्या सीक्रेट्स थे उसमें? मेरे पास ऐसे ऐसे सीक्रेट है मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन शुक्र है मैंने अपना मोबाइल छुपा दिया, अब कौन वहां से सीक्रेट निकालेगा। अच्छा, हाँ। तो नहीं लेके ही साथ, मैं साथ ही लेके ही वो दूसरा लाई थी बटनों वाले, बाहर पड़ा हुआ है। हाँ, वैसे मुझे भी बड़ा डर लगता है इसको छुपा ले, आपकी सारी तस्वीरें आगे चली जाएंगी। ओ खैर, मैं हाँ। बुढ़ी औरत, मेरी क्या तस्वीरें इसमें, बस इसके मैं... सारे वो जो आपने जवानी के नुस्खे लिखे हुए ना वो सारे किसी ने चुरा लेने। ऐसी बातें नहीं करते होते, मैं बस वो फैन हूँ ना जरा, वो संजू दत्त की वो जरा उसकी फोटोज में, बाल चुभ रहे हैं ना आपको, आकड़ गए और रंग लगाए इनके, ये ना वो बचपन में वो झूठे रहते थे ना, झूठे बचपन से याद है, बचपन में मैं भी बहुत खेलती थी, मुझे बड़े खेल पसंद थे। हाँ। आपको पता है वो क्या, गुल्ली डंडा, उसके बाद वो छिटापू वाला, और उसके बाद जो छुपन छुपाई होती थी। हाँ। फिर मैं तो पलवानी भी करती थी, जो मेरे साथ उस वक्त पलवानी खेलते थे कई लगड़े लूले होके अपने घर में पड़े हुए। वो आता था आपको, वो खेलती थी आप, नीली परी आना चुपके चुपके आना, दो थप्पड़ लगा के वापस चली जाना, थू 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 खेलती रही हूँ मैं, है ना, फिर थप्पड़ पड़ता था फिर। अच्छा जी, खाना या सोना? सोना भाई, सोना, कितना सोना है। अच्छा, आपके जेन में क्या आता है जब मैं नाम लेती हूँ मियां नवाज शरीफ? दिल करते उसके मुंह नोच लूं बस। बच्चे भी देख रहे होंगे, खराब हो जाएंगे। अच्छा, एक गाड़ी में दो लोगों के बैठने की जगह है, एक आप और आप अपने साथ किसी एक बंदे को बिठा सकते हैं, चूज वन, इमरान खान, फवाद चौधरी या अयाज सादक। इमरान खान, अयाज सादक नहीं, तो वैसे लड़ता पिटता रहता औरतों जैसा। नहीं, वो कहते हैं जहाँ थोड़ी नफरत होती है प्यार भी। नहीं, कोई प्यार ये बस ऐसी बातें करेंगी। अच्छा। हाँ, मैं अपने लीडर को नहीं छोड़ सकती। अच्छा, मैंने ना आपकी तस्वीरें बनानी है, आपने को तीन पोज मुझे करके दिखाने हैं, जरा करके दिखाएं। 1 2 3 चूड़ियां मेरी ले ले। हाय, ठीक है जी, कोई आखिरी कोई बात जो आप? बस आखिरी बात यही है कि देखिए आने वाले 5 साल फिर हमारे हैं, तो आपने PTI को नहीं भूलना, खास तौर पे जो मेरे वाले वोटर हैं, खास तौर पे जब वो वोट दें तो साथ में थोड़े से रंग भी डालें ताकि मैं अपने बालों को रंगती रहूं। बस ठीक है जी, अब आप जो है ना
आप लोगों ने रंग में भांग नहीं डालना, बस आप जाए ठीक है, और आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अल्लाह हाफिज। है नहीं ये पंग की है, मैं पंग पीती हूँ, आपने पंग की बात कर दी। कैमरा बंद है ना, कि क्या पंग तूने बात की? पंग पंग आप पंग नहीं पीती? ये आपने रंग में पंग है, मेरे मेरे तो कभी देखी। ओ मेरा कहने का मकसद सी रंग जी पंग। अच्छा रंग में बंग, चलो ठीक है। हां रंग में भंग डालना आप ना, वैसे बहुत अजीब है कि आपका वैसे ही मैं ठीक है। चलिए ठीक है, एंड ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रॉली वाली काट दो। वैसे मेरी चिड़ी बना ली है। अच्छा ठीक है, सही है। चले नाज़रीन, आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड लॉट्स ऑफ लव। आप भी जरा लव कर दें ऐसे लव।